ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਮੈਂ ਬਮਨਦੀਪ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਸਭ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦ ਦੇਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਬੱਬਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਔਰ ਵੈਲ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਸਲੋ ਹੈ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਲੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਬੱਬਨ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि होम्योपैथी के साथ बहुत बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं बहुत जल्दी सॉल्व हो रही है क्या सर ऐसा है कि देखो मैं तो जब से होम्योपैथी में हूँ आई थिंक फ्रॉम 8 ईयर्स आई एम प्रैक्टिसिंग तो जब से मैंने देखा है कि मतलब असिस्टिंग द डॉक्टर विश्वनाथ सूद एज यू नो बिकॉज मैंने कभी ये नहीं चीज़ देखी कि होम्योपैथी इज़ स्लो एक्टिंग मतलब इट्स इट वॉज अ मिथ कि लोगों को लगता है कि होम्योपैथी इज़ अ स्लो एक्टिंग बट इट डजंट ये स्लो एक्टिंग नहीं है प्रॉब्लम इज दैट कि एवरी बॉडी कांट डू होम्योपैथी because it's so vast and the one medicine included thousands and thousands symptoms so it depends upon you and your learning process how you gain from the patients and how you learn from the books and how you act like a doctor kaise aap us cheez ko kitna deeply lete ho it depends upon you आपकी हार्ड वर्क के ऊपर मुझे लगता है कि डिपेंड करता है और आप कितना किसी पेशेंट के सिम्टम्स को ग्रैस्प करके उसको समझ के और उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हो ये उसके ऊपर डिपेंड है बिकॉज होम्योपैथी मुझे नहीं लगता मैंने जो आज लाइक फॉर एग्जांपल रीनल स्टोन का ही केस है पेशेंट्स आते हैं कि मैम इतने दिनों से पेन किलर्स खा रहे हैं या लगवा रहे हैं इंजेक्शन लगवा रहे हैं तब भी पेन को नहीं फर्क पड़ रहा विद इन 15 to 20 मिनट्स मैं पेशेंट की पेन टिका देती हूँ और दिस इज़ ट्रूली विजिबल ऑन द क्लिनिक्स हम जो काम करते हैं मैं वही बोल रही हूँ जो हम काम करते हैं जो लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी इज़ अ स्लो एक्टिंग मैंने कभी देखी नहीं है कि हाउ इट एक्ट स्लोली मुझे नहीं पता इसके बाद जैसे हम देखते हैं कि आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाओ फॉर हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए तो वो लोग बोलते हैं और थायराइड एज यू नो आजकल बहुत प्रेवलेंट है तो उसमें क्या डॉक्टर्स बोलते हैं कि जी आपको तो ये सारी ज़िंदगी ये टैबलेट खानी ही पड़ेगी बिकॉज वो उनकी जो पैथी है एलोपैथिक मेडिसन्स का क्या सिस्टम है कि दे एक्ट ओनली सुपरफिशियल वो सिर्फ आपका जो बाहर अंदर हार्मोन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा वो वही हार्मोन आपको बाहर से दे देते हैं उसका आपके बॉडी की प्रोडक्शन या बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ कोई लेना देना नहीं होता दैट्स वाई दे आर सेइंग कि आपको लाइफ लॉन्ग खाना पड़ेगा बट कि होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता होम्योपैथी में अगर कोई चीज़ एक्ट करेगी तो वो डीपली ऑन द ह्यूमन बॉडी करेगी नॉट ऑन द ओनली वन पार्ट ओनली क्योंकि होम्योपैथी की एक मेडिसन बहुत सिम्टम्स कवर करती है अगर एक सिंगल पेशेंट आ रहा है तो एक मेडिसन उसके 100 और सिम्टम्स को कवर कर सकती है तो जो जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया या हाइपरटेंशन हो गया उन केसेस में यही होता है कि आप मेडिसन कुछ देर के लिए चलाओ जब आपकी बॉडी होम्योपैथिक मेडिसन आपकी बॉडी के ऊपर एक्ट करके आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग को चला देती है दैट्स वाई कि हमारी मेडिसन्स रेगुलर लाइफ लॉन्ग नहीं खानी पड़ती फॉर एग्जाम्पल एक केस था 1984 का मैंने और सर ने इकट्ठे ही देखा था तो वो क्या था कि 1984 में उसको कैंसर था स्पाइन का और उसकी कैंसर टोटली डिजॉल्व हो चुकी थी जिस हॉस्पिटल में भी गए थे तो उन्होंने मना कर दिया था कि अभी कुछ नहीं हो सकता आप घर ले जाओ तो तब ये केस ट्रीट किया हुआ था और
वो लेडी 20 साल जी के गई है, उसके बाद उसका कैंसर क्योर हुआ और उसके बाद वो 20 साल अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जी के गई, नॉर्मल डेथ हुई है उसके, कैंसर की वजह से डेथ नहीं हुई उसकी। अंडा साहब, जैसे पहले था कि अगर आप होम्योपैथी शुरू करते हैं तो आपको जो चीज़ें स्मेल वाली हैं, प्याज है, लहसुन है और मतलब जो भी चीज़ें हैं वो आपको नहीं खानी और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, कैसे आपने वो चीज़ें हैं जो वो भी मतलब इतनी ज़्यादा मतलब टेंशन वाली नहीं रही? देखो ऐसा है कि सम मेडिसन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट्स, तो उसमें क्या होता है कि कुछ मेडिसन्स ऐसी होती हैं कि जिसके साथ आप नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स लोगे लाइक प्याज हो गया या कुछ भी, तो वो रिएक्ट नहीं करती, तो वो हम उस अगर हम वो पर्टिकुलर मेडिसन किसी को दे रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं कि ये चीज़ नहीं खानी, अदरवाइज फॉर सब पेशेंट्स के लिए ये क्राइटेरिया नहीं है। तो जिस किसी में किसी डिसीज़ को लेके परहेज होता है वो बता देते हैं, या जिसको जिस मेडिसिन का लाइक एक मेडिसिन है उसके साथ अगर आप कॉफ़ी पियोगे तो वो कभी भी मेडिसिन प्रूव नहीं होएगी, ठीक नहीं करेगी, तो वो हम पहले ही पेशेंट को बता देते हैं। बट ऐसा एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सारे पेशेंट्स को यही बोलना है कि प्याज नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इतनी रिस्ट्रिक्शंस मैंने ना देखी हैं ना मैं करती हूँ, और मेडिसन अच्छे से। इसमें क्या था कि पहले प्रूविंग्स इतनी नहीं थी, रिसर्चेस इतनी नहीं थी, पहले स्पेशलाइजेशन नहीं थी, तो अभी जैसे MD है उस चीज़ में तो आप हायर लेवल पे चले जाते हो, देन PhD है आप रिसर्च में जा सकते हो, तो उसमें क्या हो रहा है कि बहुत लोग उस चीज़ के लिए अवेयर हो रहे हैं, हम प्रूविंग्स करते हैं क्योंकि हमारी प्रूविंग्स भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर ही होती हैं मेडिसन्स की, तो सेम जो इसीलिए ही क्योर होता है क्योंकि जो सेम मेडिसन्स एक्ट करती हैं वही डिसीज़ पे एक्ट करती हैं, वही हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर एक्ट करती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो अभी रिसर्चेज हैं या कुछ भी है, कंपनीज भी बहुत इसमें, मुझे लगता है कि कंपनीज का भी बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज वो उस मेडिसन्स के प्लान जहाँ से भी वो मेडिसन बनती है वो करेक्टली उसको कलेक्ट करते हैं। दैट्स वाई आई थिंक, क्योंकि पहले शायद मुझे लगता है एक दो कंपनीज थी, आज काफ़ी कंपनीज जो आ रही हैं आगे आ रही हैं उस चीज़ को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में। अंडा साहब, हमें बताएं कि आपने कहाँ से अपना ये डिग्री की होम्योपैथी की और कितनी देर से आप प्रैक्टिस में? मैंने लॉर्ड महावीरा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से की थी, तो 2012 की मेरी कंप्लीशन है, तो 2011 से मैंने सर को ज्वाइन कर लिया था व्हेन आई वाज इन इंटर्नशिप, देन अभी मेरी MD कंप्लीट हो चुकी है, अभी रिसेंटली ही मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, MD मैंने इधर गुरु नानक देव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से की है, तो 2011 से मुझे लगता है कि मैं प्रैक्टिस कर ही रही हूँ, अभी इंडिपेंडेंटली एक टाइम इधर अपना क्लिनिक है और सेकेंड टाइम अभी उनको ही सर को ही असिस्ट करती हूँ, वहाँ भी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस ही है बट उनके साथ जुड़ी। तो जैसे पेशेंट आते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को, 9 महीने के बच्चा भी है या 8 महीने का बच्चा भी है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम आ रही है या बहुत सारी इतनी मेडिकेशंस ले चुके होते हैं कि वो हर हफ्ते अगर एक सेट में उसको ठीक कर रहे हो, फिर इतनी इम्यूनिटी डाउन हो चुकी होती है मेडिसन्स की वजह से या वैसे कह लो या इन्वायरमेंट की वजह से कह लो, तो वो क्या है कि होम्योपैथी इतना सेफली एक्ट करती है, बल्कि मुझे लगता है कि होम्योपैथी जब हम बच्चे को एज अ प्रिवेंटिव मेडिसन दे देते हैं 2-3 महीने के लिए कि आप ये खिला दो, तो उससे क्या होता है कि एक तो दोबारा कभी भी रिकरेंट प्रॉब्लम नहीं आती है, सेकेंड उसमें बच्चे की हाइट वेट मतलब बच्चा खाना पीना ठीक लग जाता है, तो उसमें वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से निकल के आती हैं। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसन्स ऐसी हैं कि जो बच्चे को बहुत ईजिली और बहुत जल्दी रिकवर कर देती हैं उस चीज़ से। डॉक्टर, जैसे आपने रीनल की सिस्ट उसके पत्थरी के बारे में बोला, और लेडीज़ में आजकल जैसे सिस्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और उनको बहुत ज़्यादा जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज की जो है PCODs की काफ़ी प्रॉब्लम है, वो जो प्रॉब्लम्स है वो भी होम्योपैथी की मेडिकल के साथ आपको बहुत कारगर उनका इलाज है, क्या कहते हैं? जी, ये भी बहुत एक कॉमन डिसीज़ हो चुकी है खास करके टीन गर्ल्स में, जो यंग गर्ल्स हैं जिनका अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू ही होता है, तो पेशेंट केस लेके आते हैं कि जी एक बार पीरियड्स आ गए दोबारा आए नहीं, तो उसमें 95% केसेस जो होते हैं वो PCOD के ही निकलते हैं, तो उसमें भी मुझे लगता है कि यही 3-4 मंथ्स में जो मैंने किया है जो ट्रीट किया 3-4 मंथ्स लगते हैं उसमें आपकी ओवेरियन सिस्ट टोटली नॉर्मल हो जाती है। जैसा इनफर्टिलिटी जो कि एक मेजर इशू आज बना हुआ है
और उसके लिए लोग आजकल IVF के लिए जा रहे हैं, एक्सी विधि है और जो है ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, लेकिन होम्योपैथी में कई बार बहुत सिंपलिसिटी से आप लोग उनको मतलब जो है वो कंसीव कर देते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने मेरा फेवरेट क्वेश्चन पूछ लिया। एक्चुअली मेरी MD इनफर्टिलिटी में ही है, मेरा जो MD का रिसर्च का टॉपिक था वो भी इनफर्टिलिटी का ही। आप बाहर देख सकते हो, वहाँ बच्चों की फोटोएँ लगी हुई हैं जो मैंने कंसीव, जिनके प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। इवन के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत बड़े हॉस्पिटल्स के केस रिजेक्टेड हुए थे कि आपके बच्चा नहीं हो सकता, तो उनके भी बच्चे हुए हैं, अभी बाकी केसेस चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि IVF और बहुत ही पेनफुल और हर बंदा उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो होम्योपैथी में 95% केसेस हैं जो सॉल्व हो जाते हैं, कोई 5% इज रेयर कि वो ऊपर वाला बैठा है कि नहीं होना किसी के, तो वो अलग चीज है। बट होम्योपैथी बहुत सिंपली से ही कंसीव करवा देती है। साहब, जैसे आपका जो लंबा एक्सपीरियंस है और आप एक बहुत बड़े काउंसलर हैं, क्या ये काउंसलिंग भी आपकी मैटर करती है इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स को? क्योंकि आप लोग बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं आपके पास जिनको आप सलाह देते हो और उनको एक नई जिंदगी मिल जाती है, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो नेचुरली सोशल प्रेशर जो कपल के ऊपर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि व्हेन कपल अराइव, बहुत लंबे समय से वो लोग जूझ रहे होते हैं और आपकी काउंसलिंग के साथ कंसीव कर जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपकी काउंसलिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है इसमें इनफर्टिलिटी में। जी, साइकोलॉजी, देखिए सर, ऐसा होता है कि मैं आपको मेडिकल वे में ही समझाना चाहूँगी कि इसमें क्या होता है कि जब एक पेशेंट कहीं किसी भी जगह से ट्रीटमेंट लेके आ रहे हैं, नहीं हो रहा, कंसीव नहीं हो रहा, तो देन वो दे फील लाइक कि उनको लगता है कि कुछ उनकी चीज़ लक खराब है या कुछ भी है, तो उनको लगता है कि ये तो होएगा ही नहीं। फैमिली प्रेशर की वजह से कह लो या सोशल प्रेशर की वजह से कह लो, मोस्टली लेडीज़ में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। वो कहती है कि मतलब उस इन चीज़ों के चलते चलते एक जो डिज़ायर होती है आपस में मिलने की है, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो जब आप काउंसलिंग करते हो कि ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, सोशल प्रेशर इज़ अ डिफरेंट थिंग, तो आप अपने ऊपर देखिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, तो वो चीज़ें जब हम पेशेंट से बात करते हैं तो वो बहुत इस चीज़ को रिलैक्स फील करते हैं कि एक तो इजी है, मेडिसिन लेनी इजी है, और इससे आपको इवन तक के मुझे लगता है कि पता भी नहीं चलता कि कैसे अंदर से आपका सिस्टम ठीक हो गया और कैसे आपको आपका कंसीव हो गया और आप बच्चों के माँ बाप बन गए। बवासीर जो कि पाइल से एक बहुत ही नामराद बीमारी है और उसके लिए भी लोग बहुत घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन होम्योपैथी में आज उसका बहुत ही कारगर इलाज है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? बहुत केसेस आते हैं बवासीर को लेके भी कि पाइल जाएँ, क्योंकि शायद आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि लोग बाहर का खाना बहुत पसंद करते हैं, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रहना, या कॉन्स्टिपेशन रहेगी तो पाइल्स तो डेफिनेटली होएंगी ही होएंगी। तो होम्योपैथी बहुत अच्छे से एक्ट करती है, ब्लीडिंग विद इन फ्यू डेज, मुझे लगता है कि अगर किसी को ब्लीडिंग पाइल्स हैं तो विद इन फ्यू डेज वो ठीक हो जाती है, और देन जो पेन है या कुछ भी तो विद इन अ फ्यू टाइम ये क्योर हो जाती है। दर्शकों, जैसे आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बबन जी के साथ जिनका लंबा तजर्बा है, और जैसे ये हमें बता रहे हैं कि चाहे स्टोन है आपके पित्ते में, पथरी है आपके रिनल में, जैसे आपके गुर्दे में पथरी है उसके लिए, और उसके साथ साथ जो भी मेडिसन्स हैं आज होम्योपैथी में उपलब्ध है, जैसा आपके हॉस्पिटल में स्पेशली ये बबन क्लिनिक है जो आपका, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है? सर, इसमें हर एक तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल है। इवन के मेडिकल इमरजेंसी में भी हम कहीं चोट लग जाए या कुछ भी है तो वो भी मैं देख लेती हूँ। अदरवाइज़ जो जनरल है मेरा OPD है वो जनरल रहती है। बाकी ऐसे है कि जैसे पथरी की स्टोन है या उसकी पेन है या कुछ भी, तो वो दे आर ट्रीटेबल एट सेम टाइम। कि कई बार पेशेंट आता ही इमरजेंसी में है कि पेन हो रही है या अस्थमा का केस है, सांस फूल रही है या सांस नहीं आ रही, तो वो भी हो जाता है, नॉर्मली ट्रीटेबल हो जाता है उसी टाइम। कि ऐसा नहीं है कि हमें किसी बाहर इक्विपमेंट के लिए भागना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर, सो इतना कुछ कभी दिक्कत नहीं आई कि मुझे किसी दूसरे पैथी का या कुछ भी और सहारा लेना पड़े।
डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें कीमती समय दिया और एक ऐसी पंथ थी जिसके लिए कि लोग आज अवेयर हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा कि लोग एलोपैथी कर इतनी बुरी तरह से भागते रहे तो आने वाले समय में हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी। और ये जो पंक्ति हैं जिनके साथ आपके लिवर बचते हैं, आपकी किडनीज बचती हैं, हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से हम लोग अपने दर्शकों को इसी तरह से अवेयर करते रहें। और आप जैसे बढ़िया डॉक्टर जो कि इतने बड़े एक ब्रांड जो विश्वनाथ सूद जी हैं, जिन्होंने अपनी सारी लाइफ जो है वो पेशेंट्स को दे रखी है और अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने कभी भी कमर्शलाइजेशन नहीं किया इस चीज़ को, और उसी के नक्शे कदमों पर चलते हुए आप भी वो सेवा दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।